पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग अब नर्सिंग अब के आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एम्स नर्सिंग का जो एग्जाम हुआ था उसमें अलग अलग गेम्स की कैटेगरी वाइज अलग अलग गेम्स की कितनी कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है वो सभी की बात हम करने वाले हैं। तो एम्स नर्सिंग का एग्जाम हुआ है वो 15 एम्स के मिलकर कंबाइन एग्जाम हुआ है। आपको मालूम है नहीं मालूम तो यहाँ बता देता हूँ कि इसमें एम्स दिल्ली, एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स दियोरगढ़, एम्स गोरखपुर, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी, एम्स मंगलियागिरी, एम्स नागपुर, एम्स पटना, एम्स रायबरेली, एम्स ऋषिकेश और एम्स तेलंगाना के मिलकर एक कंबाइन एग्जाम किया करवाया हुआ है। और इसमें बात करें तो हम जब ये एग्जाम जब ये सबसे पहला नोटिफिकेशन आया था तब इसमें एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल और एम्स तेलंगाना की कोई भी यहाँ पर उसमें कोई भी पोस्ट यहाँ पर दी गई नहीं थी, मगर बाद में उसमें ऐड की थी, आगे हम आपको वो बताएंगे। तो सबसे पहले बात करें तो एम्स दिल्ली की, तो एम्स दिल्ली की जनरल कैटेगरी जो की जो पोस्ट है वो है 270, ओबीसी की पोस्ट है जो 154, एससी की पोस्ट है वो 79 है, एसटी की है 35 है, ईडब्ल्यूएस की 59 है और पीडब्ल्यूबीटी की जो कैटेगरी है उसका क्या बोलते हैं जिसको बोलते हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उसकी पोस्ट है 67 है उसकी पोस्ट है। और एम्स दिल्ली की जो टोटली पोस्ट होती है वो कितनी होती है, तो एम्स दिल्ली की जो टोटली पोस्ट होती है वो होती है 594 इसकी टोटली पोस्ट है। आप अलग अलग एम्स की जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की, एसटी और एससी की और ईडब्ल्यूएस की और पीडब्ल्यूबीटी की वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसकी टोटली पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। बात करें हम टोटली पोस्ट की तो टोटली पोस्ट यहाँ पर कितनी होती है, तो ये 15 एम्स की जो सबसे पहली जो पोस्ट है वो कितनी होती है उसकी होती है उस टोटली पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,803 पोस्ट यहाँ पर होती है। इसमें पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की जो 4 एम्स की जो यहाँ पर है वो यहाँ पर ऐड की गई नहीं है। इसके अलावा जो टोटली पोस्ट है यहाँ पर ये सभी इसका टोटल होता है यहाँ पर 3,803 यहाँ पर टोटली होता है। आगे हम बात करें जब एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल और एम्स तेलंगाना की पोस्ट की हम बात करें तो सबसे पहले एम्स तेलंगाना ने 150 यहाँ पर पोस्ट ऐड की थी और एम्स बिलासपुर ने 100 पोस्ट यहाँ पर ऐड की थी। हम बात टोटली नंबर की बात करें तो यहाँ पर ये नंबर होता है 4,053 यहाँ पर होती है, कितनी होती है 4,053 पोस्ट यहाँ पर होती है ये सभी मिलाकर। आगे हम बात करें तो एम्स भोपाल ने भी यहाँ पर वैकेंसी ऐड की थी, कितनी वैकेंसी ऐड की थी एम्स भोपाल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 126 यहाँ पर वैकेंसी ऐड की थी और एम्स भोपाल ने वैकेंसी ऐड की। लास्ट में एम्स भटिंडा ने बहुत ही अच्छी वैकेंसी ऐड की थी, एम्स भटिंडा की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,050 यहाँ पर उसने वैकेंसी ऐड की थी और जो आप देख सकते हैं 18 पोस्ट है वो है पीडब्ल्यूबीटी की बीडी की है। और एम्स भटिंडा की टोटली वैकेंसी की बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 468 यहाँ पर एम्स भटिंडा की टोटली वैकेंसी है, ये सभी नंबर मिलाकर आप देख सकते हैं एम्स 4,057 आगे का था, ये 126 एम्स भोपाल की है। और एम्स भटिंडा की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 450 यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी का टोटल नंबर कितना होता है। तो आपकी एम्स की जो 15 एम्स की जो वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर आपकी 15 एम्स की वैकेंसी होती है यहाँ पर आपकी 4,629 आपकी टोटल वैकेंसी होती है, ये नंबर आपके बिल्कुल सही नंबर है। इसमें पीडब्ल्यूबीटी की कैटेगरी की जो पोस्ट है उसमें इन ऐड की गई नहीं है। बात करें हम आपकी एटीजेम 20 के रेशियो के बारे में बात करें तो एटीजेम 20 के रेशियो में कितनी फीमेल कैंडिडेट होती है, तो इसमें फीमेल कैंडिडेट है कितनी लेनी है, इसमें फीमेल कैंडिडेट लेनी है 3,240 जिसमें फीमेल लेनी है और मेल्स लेने हैं इसमें 925 इसमें मेल लेने हैं। आगे हम बात करें पीडब्ल्यूबीटी की बात करें तो पीडब्ल्यूबीटी के कैंडिडेट कितने इसमें कितनी वैकेंसी है, तो पीडब्ल्यूबीटी की 1,417 इसमें है। टोटली बात करें इसमें सभी कैटेगरी की बात करें तो हम एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीटी की टोटली हम बात करें। आगे हम बात करें तो एम्स नॉर्थ ने यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर जारी किया है कई दिनों में और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका एम्स नॉर्मलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, जो आपका एग्ज़ाम है वो दो शिफ्ट में हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में। इस दोनों शिफ्ट की जो एग्ज़ाम है उसमें मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है थोड़ा हार्ड था और इवनिंग शिफ्ट का पेपर थोड़ा मॉर्निंग शिफ्ट के मुकाबले में थोड़ा ईजी था, ऐसा
स्टूडेंट कहते हैं। आगे हम बात करें तो नॉर्मल एजिस का मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ऐसा होगा जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो टोटल कैंडिडेट है और इवनिंग शिफ्ट का जो कैंडिडेट है वो सभी को अलग अलग रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग शिफ्ट का कैंडिडेट देख के उसका रिजल्ट अलग आएगा और इवनिंग शिफ्ट का कैंडिडेट है उसको रिजल्ट अलग है, ये दोनों का जो रिजल्ट है वो एक में ही आएगा। आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानना है नंबर के साथ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको वो उसमें नॉर्मलाइजेशन क्या होता है उसमें नंबर वाइज यहाँ पर बता दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में इतना लिखिए कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल नर्सिंग हब को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ पास में रहे बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। एम्स नॉर्थशीट के बारे में और कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप वीडियो के माध्यम से आपके पास सबसे पहले पहुँचाने की कोशिश करेंगे।